नमस्कार, स्वागत है आपका कोचिंग होम विद मिशा यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार, जिसमें हम सबसे पहले कुल्लू का दशहरा पढ़ेंगे, कुल्लू के दशहरे की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, कुल्लू के दशहरे से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो बनते हैं, जो आपकी इसकी कहानी है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और लास्ट में इसका जीके टेस्ट भी लगाएंगे कि आपको कहानी से कितना क्लियर हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुल्लू का दशहरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए, कुल्लू के दशहरा उत्सव की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो इस पूरे दशहरे की पृष्ठभूमि जो है वो जो है रामचंद्र जी के अयोध्या से कुल्लू आने पर आधारित है, ठीक है। इनका क्या मतलब है, देखिए, अयोध्या कुल्लू, ठीक है। पृष्ठभूमि किस पर आधारित है, रामचंद्र जी के अयोध्या से कुल्लू आने पर, ठीक है। रामचंद्र जी को रघुनाथ नाम यहाँ दिया गया है कि रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कैसे आई, इस पर ये आपका दशहरा जो है आधारित है। तो देखिए, कुल्लू में दशहरा का शुभारंभ जो है 17वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। कुल्लू में दशहरा का शुभारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ। कुल्लू नरेश यानी कुल्लू के राजा थे उस समय जगत सिंह। देखिए, कुल्लू के राजा थे जगत सिंह। कुल्लू के राजा जगत सिंह से किसी ने एक बार झूठी शिकायत दर्ज कर दी कि मणिकर्ण के समीप टीपरी गांव में एक ब्राह्मण है जिनका नाम दुर्गादत्त था, के पास 1.5 किलो शुद्ध मोती है, ठीक है। उनके पास झूठी शिकायत यहाँ कर दी गई। फिर क्या हुआ, राजा ने उसे मोती सौंपने के लिए कहा। ब्राह्मण को लगा कि राजा द्वारा उसे उसके परिवार को इस बात के लिए जरूर ही प्रताड़ित किया जाएगा। राजा से भयभीत होकर गरीब ब्राह्मण ने क्या किया, उसने अपने परिवार सहित अपने घर को आग लगा कर आत्महत्या कर ली, ठीक है। आत्महत्या कर ली किसने, ब्राह्मण ने। ब्राह्मण दुर्गादत्त द्वारा आत्महत्या के अभिशाप के कारण राजा जगत सिंह को खाने में कीड़े तथा पानी में खून दिखाई देने लगा तथा राजा की कनिष्ठिका में कुष्ठ रोग के लक्षण उभर आए। राजा को फिर पश्चाताप होने लगा, ठीक है। ये सब किसने किया, ये सब ब्राह्मण दुर्गादत्त के अभिशाप के कारण हुआ कि राजा को जो है पानी में अब खून दिखाई देने लगा, ठीक है, और खाने में कीड़े। फिर क्या हुआ, राजा ने अपने कष्ट निवारण के लिए अनेकों प्रार्थनाएं की। फिर उन दिनों नगर के समीप एक बाबा आए थे जिनका नाम था बाबा कृष्ण पियाहारी, ठीक है। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि यदि राजा अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से उस प्रतिमा को लाए जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में स्वयं बनाई है, ठीक है। उन्हें कौन सी मूर्ति लाने को कहा, जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में स्वयं बनाई है, और उसकी प्रतिष्ठा अपनी राजधानी में करें तो उसका चरणामृत पीने से राजा कुष्ठ मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो अब राजा को यहाँ किस चीज की जरूरत पड़ गई, उन्हें पड़ी राम द्वारा बनाई गई प्रतिमा की, ठीक है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं ही बनाई थी। फिर क्या हुआ, इस कार्य के लिए राजा जगत सिंह जो थे, जगत सिंह ने बुलाया दामोदर दास को, ठीक है। राजा जगत सिंह ने बुलाया यहाँ पर दामोदर दास को, दामोदर दास को बुलाया। दामोदर दास जो थे गटका सिद्ध का ज्ञाता था, अतः वह क्या हो गया, वह अयोध्या पहुंच गया तथा वहां पुजारियों के साथ घुल मिलकर रहने लगा तथा एक दिन उसने रघुनाथ जी द्वारा बनाई मूर्तियों को चुरा लिया, ठीक है। जो रघुनाथ जी की मूर्तियां बनाई गई थी उसने, दामोदर दास ने उन्हें चुरा लिया, और फिर क्या हुआ, वह कुल्लू की ओर प्रस्थान करने लगा। लेकिन पता लगने पर पुजारियों ने उसका पीछा किया और रास्ते में ही दामोदर दास को पकड़ लिया, ठीक है। जब दामोदर दास को मूर्ति की चोरी के लिए प्रताड़ित किया गया तो उसने सारी वास्तविकता पुजारियों से बताई कि राजा जगत सिंह जो थे उन्होंने अपने कष्ट निवारण के लिए ये मूर्ति कुल्लू मंगवाई है, वो अपनी राजधानी में इसकी स्थापना करना चाहते हैं ताकि वे कष्ट निवारण हो जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, वह मूर्ति ले जाने से पुजारियों ने दामोदर दास को मना कर दिया, वह मूर्ति को अयोध्या ले जाने लगा। यानी जब पुजारी मूर्ति को अयोध्या वापिस ले जाने लगे तो उन्हें वहाँ की ओर अंधेरा दिखाई देने लगा, ठीक है।
मतलब उनकी आंखों के सामने जो है अंधेरा छा गया। पर जब वह कुल्लू की ओर मुड़ रहे थे, यानी इस तरफ जब वो घूमे, तो उन्हें की दृष्टि बिल्कुल साफ और थी, उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। पुजारी ने इस घटनाक्रम को प्रभु की इच्छा समझा और दामोदर दास को मूर्ति ले जाने के लिए कह दिया। फिर प्रतिमा को लेकर दामोदर दास जो है 1651 में जो है मकड़ाहर पहुंचा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति कौन लाया था? तो अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति दामोदर दास लाया था, कब? 1651 में। ठीक है, राजा थे जगसिंह, जगसिंह ने बुलाया था दामोदर दास को। तो अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाया कौन था? दामोदर दास, 1651 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1660 में विधि विधान से मूर्ति को स्थापित किया गया। ठीक है, 1660 में विधि विधान से मूर्ति को स्थापित किया गया। फिर क्या हुआ, उसके पश्चात राजा राजपाट इन्हें सौंप कर स्वयं प्रतिनिधि सेवक के रूप में कार्य करने लगे तथा राजा जल्द ही रोग मुक्त हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट लाइन, रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह द्वारा वर्ष 1660 में दशहरे की परंपरा आरंभ हुई। बहुत सी किताबों में आपको 1651 1651 मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर 1660 है, कि राजा जगत सिंह ने जो है दशहरे की परंपरा कब आरंभ की थी, 1660 में की थी। 1651 में तो अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति दामोदर दास लाए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर देखिए इस मेले की विशेषता क्या है। ठीक है, इस मेले की विशेषता है, जिस दिन भारत भर में अश्वनी शुक्ल दश पक्ष दशमी तिथि को दशहरा समापन होता है, जिस दिन भारत भर में अश्वनी शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को दशहरा का समापन होता है, उस दिन जो है कुल्लू का दशहरा आरंभ होता है। ठीक है, उस दिन कुल्लू का दशहरा आरंभ होता है, यह है इस मेले की विशेषता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुल्लू का दशहरा कौन से मैदान में मनाया जाता है, तो कुल्लू का दशहरा जो है उस दौरान ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा। आपको जितने भी मेले आएंगे अभी पूछा जाएगा कि कौन से मैदान में मनाए जाते हैं, कितने दिन तक चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका कुल्लू का दशहरा ढालपुर मैदान में लगता है। आपको याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। ठीक है, जलाए जाते हैं, तो जब उनमें राम लक्ष्मण जो है तीर छोड़ते हैं, आग लगती है, तो क्या होता है, वो गिर जाते हैं, जिसको हम ढलना कहते हैं, ढल। ठीक है, तो ढालपुर मैदान आपको इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ बनता है, देखिए भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यात्रा निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दशहरे में किसकी मूर्ति यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यात्रा निकाली जाती है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, आगमन यानी मेला कब शुरू होता है, किसके आगमन पर स्टार्ट होता है, ये होता है देवी हिडिम्बा के आगमन पर, और समाप्त होता है लंका दहन पर, जब रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। शुरू होता है देवी हिडिम्बा के आगमन पर और समाप्त होता है लंका दहन पर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास इसमें था, देखिए ये सेकेंड पॉइंट, विजयदशमी को आरंभ होता है, कुल्लू का दशहरा जो है विजयदशमी को आरंभ होता है तथा 7 दिन तक चलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, शुभारंभ हुआ 17वीं शताब्दी में, विजयदशमी को आरंभ होता है, 7 दिन तक चलता है, राजा थे जगत सिंह, जगत सिंह ने क्या किया था, राजा जगत सिंह जो है ग्रसित थे कुष्ठ रोग से। ठीक है, तो बुलाया गया था दामोदर दास को, किस लिए बुलाया गया था, कि वो रघुनाथ जी की मूर्ति ला सके अयोध्या से। तो अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाए दामोदर दास 1651 में। 1660 में विधि विधान से मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह द्वारा वर्ष 1660 में दशहरे की परंपरा आरंभ हुई। विशेषता मैंने आपको इसको बता दी, और मैदान है ढालपुर मैदान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यात्रा निकाली जाती है, शुरू होता है देवी हिडिम्बा के आगमन पर और समाप्त होता है लंका दहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे क्या बनता है, देखिए यहाँ पर कहा गया है उत्सव का पहला दिन, यहाँ पर जो कुल्लू का दशहरा होता है, दशहरे के प्रथम दिन जो है भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है उत्सव का पहला दिन क्या कहलाता है, उत्सव के पहले दिन को यहाँ कहते हैं ठाकुर निकलने। ठीक है, उत्सव का पहला दिन यानी ठाकुर निकलने,
जैसे कि अभी बताया भी गया कि रघुनाथ जी की मूर्ति यात्रा निकल जाए तो उन्हें कहा गया है ठाकुर निकलने। छठे दिन को कहा जाता है मुहक्का, ठीक है, छठे दिन को कहा जाता है मुहक्का। फिर क्या हुआ, छठे दिन को कहा गया है मुहक्का। फिर जो है रघुनाथ जी का रथ खींचकर मैदान के अंतिम छोर तक ले जाया जाता है तथा व्यास नदी के किनारे तैयार की गई लंका में रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और कुछ बलियां दी जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान से, हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का पहला दशहरा अक्टूबर 1967 में हुआ था। उस समय जो है इसे राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, अक्टूबर 1967 में। हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का पहला दशहरा अक्टूबर 1967 में हुआ था। फिर वर्ष 1973 में, 1967 के बाद वर्ष 1973 में रोमानिया के संस्कृत दल ने दशहरे में भाग लिया और इसी के साथ ही दशहरे का अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह के रूप में आयोजन आरंभ हुआ। तो इस तरह हो गया अंतर्राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त। ये दो पॉइंट लास्ट के आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था आपका कुल्लू का दशहरा जो इसे लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब देखिए आपको ये कहानी कितनी याद रही है, हम लगाते हैं इसका टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, कुल्लू किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दो है, शिवरात्रि और कुल्लू। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, कुल्लू किस मेले के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसका ऑप्शन दशहरा होगा। ठीक है, तो कुल्लू किस मेले के लिए प्रसिद्ध है, दशहरे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए दशहरा कितने दिनों तक चलता है, हमने पढ़ा था दशहरा विजयदशमी को आरंभ होता है और 7 दिन तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू का दशहरा कौन से मैदान में लगता है? मैंने कहा यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और फिर क्या होती है, उनमें आग जब लगाई जाती है तो वो ढलेंगे, तो लगता है ढालपुर मैदान में। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू का दशहरा किस राजा ने शुरू किया था? ठीक है, कुल्लू का दशहरा किस राजा ने शुरू किया था, ये किया था, देखिए जगत सिंह, जगत सिंह दोनों जगह ही जगत सिंह है। अब देखिए आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसका मतलब होता है 1652 में स्टार्ट किया गया था या 1660 में। तो देखिए ये किया गया था 1660 में स्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति कौन लाया था? तो राजा जगत सिंह ने किसे बुलाया था, दामोदर दास को। दुर्गादत्त कौन थे, दुर्गादत्त तो ब्राह्मण थे जिनके पास जो है कहा गया था कि उनके पास 1.5 किलो शुद्ध मोती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर दास। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बैजनाथ कस्बे में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता। ठीक है, बैजनाथ कस्बे में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता। देखिए यहाँ एक पूर्ण मान्यता है कि इस त्यौहार को मानना मनाना वहाँ के लोगों पर भगवान शिव का कोप लेकर आएगा। बैजनाथ के लोग शिवरात्रि नहीं मनाते, सॉरी दशहरा नहीं मनाते, क्यों, क्योंकि वह उन्हें लगता है कि भगवान शिव को कोप लेकर आएगा, कि भगवान शिव उन पर क्रोधित होंगे। क्यों, इसलिए इस कस्बे को लोग रावण, उसके भाई कुंभकर्ण तथा पुत्र मेघनाथ के पुतले नहीं जलाते, क्योंकि रावण जो है भगवान शिव का परम भक्त था। ठीक है, एक कथा के अनुसार करीब 1 शताब्दी पूर्व कुछ लोगों ने रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाने की कोशिश की थी, तो वो सभी लोग जो है वहाँ पर दशहरा से पहले ही मारे गए थे। तब से बैजनाथ कस्बे में कोई भी दशहरा नहीं मनाता। ठीक है, हुआ क्या था कि त्रेता युग में रावण ने अपराज्य शक्तियाँ पाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसने अपना सिर 10 बार हवन कुंड में चढ़ा दिया था। ठीक है, प्रसन्न शिव ने न केवल उसका सिर वापस किया बल्कि उसे अजय तथा अमर होने का वरदान भी दिया था। रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका चलने का आग्रह किया। ठीक है, तो भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की और खुद को लिंग रूप में बदल दिया। ठीक है, यानी पिंडी रूप जो होता है, शिव ने रावण को लिंग को उठाकर बिना किसी स्थान पर रखे लंका तक ले जाने को कहा। ठीक है, क्योंकि शिव भगवान ने कहा था कि वो मेरा लिंग रूप जो है कहीं भी धरती पर ना रखे, क्योंकि वो फिर वहीं स्थापित हो जाएगा। तो रावण ने क्या किया, शिव ने रावण को लिंग को उठाकर बिना किसी स्थान पर रखे लंका की तरफ जाने लगा,
जैसे ही रावण बैजनाथ पहुंचा था, ठीक है, जैसे ही रावण बैजनाथ पहुंचा उसे प्राकृतिक बुलावे पर जाना पड़ा। ठीक है, उसे प्राकृतिक बुलावे पर जाना पड़ा। उसने लिंग को एक चरवाहे के हाथों में दे दिया। रास्ते में उसे मिल गया चरवाहा और उसने दे दिया चरवाहे के हाथों में और उसे कहा कि वो उसे नीचे ना रखे। परंतु रावण के जाते ही चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रखा और वह वहीं पर स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये थी यहाँ की कथा। ये था आपका कुल्लू दशहरा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।